तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा महिला ये वो कहाँ जाएंगे? हाँ, मेरा बच्चा अभी 9वीं में है, उसका 9वीं में इसमें अपना इसमें क्या बोलते हो, फी भरने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास, मेरा 12,000 सैलरी है, क्या करूँ मैं बताओ आप? हाँ, शासन क्या करे, सो रहा है क्या? हाँ, मेरी 12 साल में नौकरी है, 2009 की मेरी भर्ती, अभी मेरे हाथ में आता है कट के 8-9 हज़ार, क्या करेंगे हम लोग? हमारे बच्चों लोग मुलची पढ़ने में पड़ते, हाँ हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 10-20 सबसे 10-20 रुपया लेके हम लोग खाना पकाते, अभी इधर रहने वाले यहाँ वहाँ से आते रहने वाले, हम लोग क्या करेंगे उनके लिए पेट भरने के लिए? तो हम लोग को 10-20 रुपया हम लोग पके खा रहे हैं ना, तो शासन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सो रहा है क्या शासन? हाँ बोलो, नहीं तो बेच दो, बेच दो, बेच दो, एसटी बेच दो। आपकी डिमांड क्या है? खाली हमारा डिमांड है, मतलब हमारा महाराष्ट्र शासन में विलीनीकरण चाहिए, बस हमारा डिमांड वही है, बाकी कुछ नहीं। मेरा नाम है आनंदराव बाबा साहब रणदेवी, मैं हूँ मराठ का कर्मचारी एसटी का, मेरे को 12 साल हुआ एसटी में, अभी मेरे हाथ में अभी तक 20,000 तक पगार आया नहीं, मेरे पगार स्लिप अब मेरे सामने है, मेरे जेब में है, तो अभी तक मेरे को 12 साल हुआ है कि मेरे हाथ में अभी तक मेरे पगार स्लिप पे 20,000 पगार नहीं है। कोटा है एसटी कर्मचारी, जब सब ये जो हमारे 48 लोग शहीद हो गए, कोई सब आज का 10वां दिन है हमारे यहाँ पे भिवन डेपो में, 10वां दिन आज का हड़ताल चालू है, हड़ताल नहीं मतलब दुखोटा चालू है हमारा, 48 आदमी हमारा शहीद हो गया, एसटी कर्मचारी हमारे चालक तथा वाहक वो शहीद हो गए, उसकी वजह से हमारा दुखोटा चालू है। तो आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट से हमारी एक ही मांगा है कि हमारी महाराष्ट्र शासन में विलीनीकरण होना चाहिए, जब तक विलीनीकरण होता नहीं तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारी मांगे। आपके 10 दिन तक हड़ताल पे तो आमदार खासदार आपके पास में कोई आया था? आ रहे ऐसे पत्रकार आ रहे, तुम्हारे जैसे कोई आ रहे जा रहे मिल रहे, बीजेपी अभी तक कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं आया, नगर सेवक आए थे संतोष शेट्टी आए थे नगर सेवक, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? वो बोले कि तुम लगे रहो तुम्हारे ठिकाने पे, तुम बैठे रहो, तुम्हारे जो तुम्हारे को जो भी मांगता है हम तुम्हारे पीछे है, तुम्हारा जब तक मांगे पूरे नहीं होते तब तक तुम पीछे मत हटना, हम तुम्हारे पीछे है, पाठिंबा दे रहे हैं ऐसा पूरे महाराष्ट्र में स्ट्राइक है सब। और अगर ये मांग नहीं मानी गई तो आगे कब तक का धरना किया जाएगा, क्या किया जाएगा? जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होती है तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारी मांगे ये कि है शासन में विलीकरण होना चाहिए, और हमारी मांगे उतनी है कि महाराष्ट्र शासन में हमारे 38 लोग शहीद हो गए तो भी महाराष्ट्र शासन को अभी तक उसकी कोई दखल नहीं ले रहा हमारे ऊपर, और हमारी पगार भी टाइम पर नहीं होती है, जो है पगार उसमें से भी टाइम पर नहीं होती है, महीना 2 महीने गैप मिलता है, 25 दिन आगे 20 दिन आगे ऐसा होता है, और हमारे को बोले थे कोरोना में तुम काम करोगे तो तुमको 300 रुपया भत्ता मिलेगा, वो भी हमको दिया नहीं है। 300 रुपये भिवंडी के आमदार और खासदार से आप क्या कहना चाहेंगे कि वो आपकी मांग को लेकर ऊपर बात करें? अगर वो आएंगे तो हमारे को उनका सपोर्ट मिलेगा, तो हम उनको यही बोलेंगे कि बाबा हमारा जो मांगे है तुम तो हमारी मांगे पूरे करो, वो हमको हम उनको ऐसा बोल देंगे। जनता को जो तकलीफ हो रही है उसके लिए आप क्या कहेंगे, किसको जिम्मेदार है? तो हम लोग क्षमा चाहते हैं, जनता को तकलीफ हो रही है हम मानते हैं, लेकिन हमारे को जो बीत रहे हमारे ऊपर, हमारे बाल बच्चे आज भूखे मरने का हमारे ऊपर ये टाइम आ गया है, तो हम क्या कर सकते उसमें, तो जनता ने भी खुद उतर के रोड पे हमारे सहायता करना चाहिए, हमारे को बोलना चाहिए, वो एसटी महामंडल को जो भी कर्मचारी है उनके लिए पगार बहुत ही कम है, तो थोड़ा सा उनके जो शासन में विलीनीकरण करना चाहिए तो हमारा हो जाए तो बहुत अच्छे बात। सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि जो शासन विलीनीकरण है वो जल्दी से हो जाए, और जो जिन्होंने आत्महत्या किया है उनको शासन उनको मतलब उनका बलिदान उनका उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको उनका मतलब जो बलिदान वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए, यही हम लोग हमारी मांगे पूरी है। और जो हमारे पेमेंट नहीं होता टाइम से, 2-2 महीना 2.5 महीना ऐसा हो जाता है, तो वो भी टाइम हम लोग को जो 7 तारीख को जो पेमेंट देते हैं हम लोग को, वही 7 तारीख को हम लोग फीस दे देते हैं।
यानी आप लोगों का ये भी कहना है कि पेमेंट का जो डेट है उस डेट पर आपको पेमेंट भी नहीं मिलता? नहीं मिलता है ना, दो दो महीने के बाद मिलता है, वो भी किसका कर्जदार लिया होगा उसको देना पड़ता है, फिर से कंडक्टर ड्राइवर कंडक्टर सब वही कर्ज बाजारी हो जाता है, इसकी वजह से आत्महत्या बढ़ रही है इष्ट कर्मचारी का। अब तक कितने लोगों की डेथ हो चुकी होगी आपके अंदाजे के साथ? 48। अरे भाई, हर एक चीज़ की सुविधा होना चाहिए, साधन कहीं भी आम आदमी आ जा सके। अभी आपको कहाँ जाना है? यहाँ से थाना जाना है। थाना जाना है, थाने के लिए एक भी बस है? अभी एक भी बस कोई कहीं भी दिख ही नहीं रहा ड्राइवर। तकलीफ तो बहुत सारी है, अभी जैसे मैं अंबड़ जाना रहा तो रिक्शा वाला कम से कम जो अंबड़ का टिकट था 30 रुपया, ये 300 रुपया बोलता है। और जो कल्याण जाना रहा, कल्याण का भाड़ा इससे था 20 रुपया, तो रिक्शा वाला 100 रुपया बोलता है। अभी हम सामान्य लोग हैं, 300-400-200 रुपये कमाने लोग हैं, अभी 300 रुपया हम कैसा देंगे? आपके जो मीडिया के माध्यम से सरकार को बोला जाए कि उनको जो संपय जल्दी जल्दी मिटाओ, उनकी जो मांगनी है ये जल्दी जल्दी पूरी तरह से मान्य करो, इतना हमारे आपके मीडिया से हमको आशा है। जो परिवहन मंत्री है अनिल परब, मैं उनके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तकलीफ बहुत सारी मैं बता सकता नहीं हूँ, इसके लिए आप ही आपके चैनल से उन तरह आपकी बात लेके जाओ, आप उनको बताओ कि पब्लिक को बहुत तकलीफ है, जल्दी जल्दी से इसका तोड़ निकालो और पब्लिक को जो परेशानी है इसे दूर करो, इतना बोलना मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से।